नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो गाइज, आज मैं आपके लिए एक अगला वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वो वीडियो आपको देखने से पहले ये जानना होगा कि हम जानने वाले क्या हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो मैं गाइज बनाने चल रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपका प्रोग्राम है उसमें आज हम आइडेंटिटी कार्ड बनाना जानेंगे कि स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनाया जाता है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आप ये वीडियो देख के हैरान हो जाएंगे। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी फ्रेंडों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में। तो गाइस, देर ना करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फाइनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोग्राम आपके सामने स्टार्ट कर दिया है। इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। आइडेंटिटी कार्ड बनाने से पहले क्या आपको करने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेटिंग के बारे में जानने हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट पेज जो है आपके सामने बाय डिफॉल्ट तो ओपन हो गया है, लेकिन इसमें आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनाने होंगे ये आपको जानने हैं। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। तो सबसे पहले गाइस, हम अपने पेज को यहाँ से थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जूम इन। इसके बाद हमें यहाँ से स्टार्टिंग एकदम इंसर्ट मेनू से आने होंगे। सबसे पहले इंसर्ट मेनू से आने के बाद हमें यहाँ से सेव दिखाई देगा। सेव यहाँ से हमें लेना होगा। एक रेक्टेंगल सेप ले सकते हैं या राउंडेड रेक्टेंगल सेप ले सकते हैं, राउंडेड कार्नर। तो हम यहाँ से बेसिक रेक्टेंगल सेप सिलेक्ट कर लेंगे। ये रेक्टेंगल सेप मैंने आपके सामने देखिए ड्रा कर दिया है। तो गाइस, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना सेप आपको, बस उतने में बनाना जितने में हमारा आइडेंटिटी कार्ड बन जाए, जितने में हमारा आइडेंटिटी कार्ड क्लियर हो जाए। तो मैंने एक सेप आपके सामने ड्रा कर दिए। अब इस सेप में हमें कुछ कलर फिल करने होंगे। यहाँ से मैं फॉर्मेट आऊँगा। हमने आपको कई बार बताया है कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मीनू बार आपको कुछ दिखाई देते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, रिव्यू, ये मीनू बार आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ से जब आप अपने सेप को सिलेक्ट करेंगे, मतलब आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट कोई सिलेक्ट रहेगा, तो आपको एक मीनू दिखेगा फॉर्मेट। ड्राइंग टूल में आपको एक फॉर्मेट मीनू दिखेगा जहाँ पे दिख रहा है सेप फिल। सेप फिल से आएंगे आप यहाँ से गाइस, सॉलिड कलर आप अपने सेप में फिल कर सकते हैं। अगर सॉलिड कलर के अलावा कुछ आपको इफेक्टिव डालने हैं तो यहाँ से आप आएंगे डाउन एरो से, आपको यहाँ पे कुछ कलर पैटर्न और बॉर्डर भी दिखाई दे रहे हैं अपने सेप के लिए। यहाँ पे कुछ स्टाइल बॉर्डर भी दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, जो आपको अच्छा लगे वही आप सिलेक्ट कर देंगे। देन हमें क्या करना होगा, यहाँ से इंसर्ट मीनू से आना होगा। इंसर्ट मीनू से हम आएंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से हम आएंगे कोई भी यहाँ से आर्टिस्टिक वर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें हॉरिजॉन्टल में लिखना है या आर्क में लिखना है, कैसे में लिखना है, हम यहाँ से एक वर्ड आर्ट सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्लिक टेक्स्ट योर हेयर, जो लिखा गया है योर टेक्स्ट हेयर, तो हमें यहाँ पे सेंटर का नाम देना होगा। ये मैंने नाम टाइप कर दिया। नाम टाइप करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर देंगे टेक्स्ट को। फिर यहाँ पे हमें कुछ फॉन्ट स्टाइल दिखाई देंगे, जो फॉन्ट स्टाइल हमें अपने ऑब्जेक्ट में जोड़ना होगा टेक्स्ट में, उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और भी पैटर्न आपको दिखाई देंगे यहाँ पे ऊपर, जो आपको अच्छा लगे वही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, देन ओके कर देंगे। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हमको मूव करके नीचे लाना है, यहाँ पे लाना है मूव करके, जो कि आ नहीं रहा होगा। आप मूव करने का प्रयास करेंगे, आएगा नहीं। तो ये हमें जानना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा हमारा टेक्स्ट। तो गाइस, उस पर आपको क्लिक करने होंगे और फॉर्मेट मेनू पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग से आपको आने होंगे यहाँ पे स्क्वायर आपको दिखेगा, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा। आप जहाँ चाहेंगे आपका ऑब्जेक्ट वहीं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, फिट स्क्रीन पे रखने होंगे। अब इसमें हमें कुछ टेक्स्ट में फिल देना है, तो यहाँ सेप फिल मिलेगा। सेप फिल से हमें सॉलिड कलर मिलेगा। सॉलिड कलर में हम कोई कलर सिलेक्ट कर लेंगे जो कलर हमें समझ में आए। यहाँ से हम टेक्स्ट का आउटलाइन दे सकते हैं,
आउटलाइन कलर, आउटलाइन थोड़ा सा मोटा करना है तो यहाँ से विथ इसका बढ़ा देंगे, आउटलाइन थोड़ा मोटा हो गया। अभी शेप में हमें आना होगा, अगर हम यहाँ से सॉलिड कलर फिल कर रहे हैं, हमें ग्रेडियंट फिल देना हुआ, अगर मोर कलर देना हुआ मल्टी कलर, तो नीचे मिलेगा हमें मोर ग्रेडियंट। मोर ग्रेडियंट पे अगर हम आएंगे तो हम एक बार में यहाँ से टू कलर डाल सकते हैं। टू कलर को सिलेक्ट करेंगे, कलर स्टेप वन में सिलेक्ट कर लेंगे कोई कलर एंड कलर स्टेप टू में कोई कलर डाल देंगे। देन यहाँ से दिया गया सेटिंग स्टाइल, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डायजोनल अप है, डायजोनल डाउन है, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, जो आपको अच्छा लगे उसे आप सिलेक्ट करके छोड़ सकते हैं। शेप में दूसरा कलर इफेक्ट डालना है तो आप यहाँ से दूसरा कलर भी डाल सकते हैं, ये कलर सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से सॉलिड कलर ही डाल के छोड़ देंगे, ये भी सही तरीका रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ से इंसर्ट मेनू से टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना। मैं आपको आज बताऊंगा कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को जब आप क्लिक करोगे डाउन एरो से, यहाँ ड्रा टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलेगा। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे आओगे तो आप ऐसे ड्रा कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए ड्रा करके। इसके बाद यहाँ पे आपको डालने होंगे जो भी आपने डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए। अभी इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से होम टैब से आएंगे, टेक्स्ट स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया हम छोटा कर देंगे, ये सॉरी कोई भी फॉल्ट अगर होता है आपसे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज में, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करेंगे, अंडो हो जाएगा। फिर से हम इसको क्या करेंगे, मूव कर देंगे। ये मैंने अपने टेक्स्ट को मूव कर दिया। अब फॉर्मेट से आएंगे, हम यहाँ शेप को नो आउटलाइन कर देंगे। नो आउटलाइन कर देने से गाइस क्या हुआ, हमारा जो भी टेक्स्ट का आउटलाइन दिख रहा था वो सिंपली हट गया। देन हमें दोबारा से क्या करना होगा, वही टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं दोबारा से, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ होम से आएंगे, कॉपी कर देंगे, देन पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने से क्या हुआ, वही टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने एक दूसरा नज़र आ जाएगा। अगर कॉपी करने से नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोबारा इंसर्ट मेनू से आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, और ये ड्रा कर लिया मैंने, यहाँ पे डाल देंगे आप जो है वेबसाइट, अभी आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको जो है थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दीजिए, शेप को लाके से मूव कर देंगे। सिलेक्ट करके होम टैब से स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे। ऐसे बोल्ड कर देंगे, जगह कम पड़ जा रहा है तो आप क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इसका सेलेक्ट करके अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। अब हमें नो आउटलाइन करना, फॉर्मेट मेनू से हम आएंगे, शेप को नो आउटलाइन कर देंगे। फिर से गाइस हमें आना होगा इंसर्ट से, टेक्स्ट बॉक्स ही मैं यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो वर्ड आर्ट भी ले सकता हूँ, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। सिलेक्ट करने होंगे, देन आप यहाँ पे लोकेशन मेंशन कर दीजिए, गाइस सेलेक्ट कर लेंगे होम टैब से। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। साइज यहाँ से थोड़ा सा हमें बड़ा कर लेना होगा, बोल्ड कर देंगे। अब हमें फॉर्मेट से आने होंगे, पहले मैं इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ।
अलाइनमेंट सेंटर फॉर्मेट से आने होंगे, यहाँ पे हमें सेप फिल तो मिलेगा, सेप में कलर फिल करने के लिए मिलेगा। हम यहाँ मोर पे आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इफेक्टिव सेप फिल मिलेगा। जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगे उस पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ पे उसको क्लिक कर देंगे। अभी टेक्स्ट में कलर डालना है तो होम टैब से टेक्स्ट का कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट कलर फिल कर देंगे। फिर आएंगे इंसर्ट मेन्यू से, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ऊपर। अगर नहीं डालने आपको यहाँ से तो इसको नन कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेव को क्या करूँगा, नो आउटलाइन करूँगा, यहाँ से नो आउटलाइन। और मैं फिर से अगेन आऊँगा होम टैब से, अपने सेव टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूँगा, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, और ये मैंने ड्रा कर दिया। यहाँ में टाइप करने होंगे आइडेंटिटी कार्ड, सिलेक्ट करके होम टैब से। गाइस स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस देखने होंगे तभी आपके समझ में आएगा। ये अंडरलाइन कर देने होंगे, फॉर्मेट से आएंगे और यहाँ कोई डाल देंगे, सेव थोड़ा सा कम कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैं आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको आइडेंटिटी कार्ड बनाना बता रहा हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें हमारे, जिससे और भी लोग वीडियो को देख सकें और इसके बारे में जान सकें। अब गाइस हमें यहाँ से आने होंगे इंसर्ट मेन्यू से टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं फाइनली आपको टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज़ बता रहा हूँ। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स एक ड्रा कर दिया। अब ड्रा करने के बाद हमें यहाँ से होम टैब से आने होंगे नो स्पेसिंग करने के। नो स्पेसिंग का क्या है, अगर नो स्पेसिंग नहीं करते हैं, आप कुछ भी टाइप करते हैं, इंटर करते हैं, तो आपके देखिए टेक्स्ट लाइन के बीच में स्पेस ज़्यादा दिख रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करके स्पेसिंग को नो कर दूँगा। यहाँ से नो स्पेसिंग कर देने से अभी आप में टेक्स्ट में स्पेसिंग ज़्यादा नहीं आएगा। स्टूडेंट नेम या आपको डॉट्स लगाने होंगे, देन इंटर। फादर्स नेम, इंटर। यहाँ पे आपको डी ओ भी डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, डॉट्स को आप बढ़ा सकते हैं। कीबोर्ड में आपके नेविगेशन की है जिनके जरिए आप नीचे आके डॉट्स बढ़ा सकते हैं। ये आपके यहाँ कोर्स डालना होगा, एड्रेस, एड्रेस लाइन के लिए मैं दो लाइन दे दूंगा, इसको सिलेक्ट कर लेने होंगे। सिलेक्ट करके आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर देंगे। कोई भी स्टाइल पैटर्न मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। चलिए मैं डिफॉल्ट में ही देख लेता हूँ कोई स्टाइल। थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, यहाँ पे डॉट्स बढ़ा लीजिए थोड़ा। अभी इसमें हमें कोई कलर फिल करना हुआ तो फॉर्मेट से आके मैं सेव फिल से यहाँ पे कोई कलर फिल कर सकता हूँ। आउटलाइन हटाना है तो आउटलाइन को यहाँ से नन कर सकते हैं, नो आउटलाइन। या आउटलाइन देना चाहें तो आउटलाइन दे भी सकते हैं। थोड़ा सा मोटा करना है आउटलाइन,
तो यहाँ से आउटलाइन मोटा कर सकते, ठीक है ना। तो ये मैंने ड्रा कर लिया। अभी हमें क्या करने होंगे, यहाँ से इंसर्ट से आएंगे हम, यहाँ एक ले लेंगे शेप, राउंडेड शेप लेंगे और शेप को ड्रा कर देंगे, फोटो लगाएंगे, शेप ड्रा कर देंगे। अभी इस शेप में अगर फोटो फिल करना है तो यहाँ शेप फिल से जाके पिक्चर करके फिल कर सकते हैं। नहीं फिल करना है, केवल आपको लिखना है इसमें फोटो, तो आप राइट क्लिक करेंगे शेप पे, आपको ऐड टेक्स्ट दिखेगा, ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं फोटो, फोटो सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दीजिए, इसका अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए। आपको बीचों बीच में लाने हैं तो सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करके कर्सर पॉइंटर रखें, इंटर प्रेस कर लेंगे। ये फोटो के लिए आपने लगा दिया, सिलेक्ट कर लीजिए और इसका भी स्टाइल पैटर्न चेंज कर दीजिए। अभी शेप आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, बैकग्राउंड में आपको कोई कलर फिल करना है बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ से शेप फिर से आप कलर आप डाल सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड के लिए जो कलर आपको बेटर लगे वो कलर यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। ये कलर फिल करेंगे लेकिन साथ ही आपको इस शेप का भी कलर वही देना होगा शेप फिल से, सेम कलर देना होगा। कंट्रोल जेड कर लेंगे, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको फिर से मैं ड्रा कर लूँगा इंसर्ट से आके टेक्स्ट बॉक्स, और ये ड्रा टेक्स्ट बॉक्स से रजिस्ट्रेशन नंबर मैं फिर से ले लूँगा। इसको सिलेक्ट करके इसका स्टाइल चेंज कर देंगे, यहाँ से बोल्ड कर देंगे। अभी हमको इसको मूव करा देंगे, सेप आउटलाइन को हमें करना होगा नन और सेप फिल में हमें कोई कलर फिल कर देंगे, सिलेक्ट करके साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं आप। ये फोटो के लिए भी आपने एक फ्रेम दे दिया, फ्रेम में कोई कलर फिल करना है बैकग्राउंड से कलर देना है तो फोटो फ्रेम दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ लोगो लगाने हैं, कंप्यूटर की सिंबल लगाने हैं लोगो, तो यहाँ से आप इंसर्ट व्यू से क्लिप आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्लिप आर्ट्स में आप आएंगे तो यहाँ कंप्यूटर आपका पहले से ही लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा रहेगा तो सर्च कर सकते हैं, वो कर देंगे तो आपके सामने कंप्यूटर का लोगो दिख जाएगा। तो मान लीजिए आपको यही लोगो लगाना है, यही क्लिप आर्ट जोड़ना है, क्लिक करेंगे देन यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अभी आपके सामने ये दिख तो रहा आइकॉन आ गया, लेकिन आपको इसको मूव करना होगा, फॉर्मेट से जाके स्क्वायर करना होगा यहाँ से, फिर तभी आप इसको मूव कर सकते हैं। स्क्वायर करके आप इसको छोटा कर दीजिए, इसका एरिया चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन आपने ये चेंज कर दिया, ये यहाँ पे इसको फिट कर दीजिए। ठीक, मैं यहाँ पे देना चाहूँगा स्टूडेंट सिग्नेचर के लिए एक शेप बनाना चाहूँगा, तो इंसर्ट से आएंगे मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके यहाँ पे सिग्नेचर स्टूडेंट सिग्नेचर सेलेक्ट करने होंगे और इसको यहाँ से स्टाइल चेंज कर देना है, बोल्ड कर देना है, थोड़ा सा चौड़ाई यहाँ चौड़ाई बढ़ा देना है। इसके बाद फॉर्मेट से आएंगे, सेफ फिल में कोई अलग सा कलर फिल कर देंगे, कोई हल्का सा कलर यहाँ पे फिल कर देंगे।
तो गाइस आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये आइडेंटिटी कार्ड, तो प्लीज देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करने वाला हूँ, एंड देने वाला हूँ। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो फाइनली मैंने आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये एक आइडेंटिटी कार्ड बनाना जान लिया है कि आइडेंटिटी कार्ड बनाते कैसे हैं और इसे प्रिंट करना। प्रिंट लेना तो आपको पता ही होगा, आप कमांड कंट्रोल के साथ पी दबा सकते हैं, नहीं तो ऑफिस बटन से जाके प्रिंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करता हूँ।